Good evening, students. Today, I am teaching about the Northern and Coastal Plains. Chapter 3, India, Our Motherland. Subject, Social Studies. Part 3, Class 3 के लिए है. The first point है, the Northern Plains lie just the south of the Great Himalayas. The Northern Plains lie just to south of the Great Himalayas. Northern Plains यानी उत्तरी मैदान हिमालय के ठीक दक्षिण में अवस्थित है. हिमालय इधर है और इसके दक्षिण में ये नॉर्दर्न प्लेन्स है. समझा बच्चों? द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई जस्ट टू द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय. हिमालय नॉर्थ में है. नॉर्दर्न प्लेन्स लाई जस्ट द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालय. उत्तरी मैदान हिमालय के ठीक दक्षिण में है. नीचे जाएंगे तो दक्षिण साइड है. सेकंड पॉइंट है, इट स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. यह पंजाब से असम तक फैला हुआ है. इधर पंजाब है और ये असम तक फैला हुआ है. समझा बच्चों? ये असम तक फैला हुआ है. पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है. थर्ड पॉइंट है, द रिवर सच एज द गंगा एंड जमुना फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स. द रिवर सच एज गंगा जमुना एंड फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स. रिवर जैसे गंगा और जमुना इस मैदान से गुजरती हैं या बहती हैं. द रिवर सच एज द गंगा एंड जमुना फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स. नदियां जैसे गंगा और जमुना दो नदियां हैं और इसके अलावे और है ब्रह्मपुत्र, तो इससे मैदान से गुजरते हैं. फोर्थ पॉइंट है, दीज रिवर्स हैव मेड द लैंड फर्टाइल एंड ग्रीन. ये नदियां इस भूमि को उपजाऊ और हरा भरा रखता है. समझा बच्चों? फिर से एक बार देख लो, द नॉर्थर्न प्लेन्स लाई जस्ट टू द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय. उत्तरी मैदान हिमालय के ठीक दक्षिण में अवस्थित है. हिमालय नॉर्थ में हो गया और नॉर्थर्न प्लेन्स ये है इसके साउथ में अवस्थित है. समझे बच्चों? इट स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन वेस्ट एंड असम इन द ईस्ट. यह है वेस्ट में पंजाब से लेके ईस्ट में असम तक फैला हुआ है. द रिवर सर्ज एज द गंगा एंड जमुना फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स. प्लेन्स नदियां गंगा और जमुना इस मैदान से बहती है. गंगा और जमुना इस मैदान से बहती है. दीज रिवर्स हैव मेड द लैंड फर्टाइल एंड ग्रीन. ये सब नदियां जो है वो भूमि को उपजाऊ और हरा भरा रखता है. समझा बच्चों? ये हो गया नॉर्दर्न एंड प्लेन्स के बारे में. अब बताएंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में. ये जो नदियां हैं जमुना और गंगा ये नॉर्दर्न प्लेन्स में बहती हैं. अब इसके बाद कोस्टल प्लेन्स के बारे में बताऊंगा. समझा बच्चों?
इसको क्लीन कर देता हूं। कोस्टल प्लेन्स के बारे में बताता हूं। देयर आर नैरो स्ट्रिप्स। देयर आर नैरो, नैरो मीन्स पतला या संकुचित, स्ट्रिप्स मीन्स पट्टियां, ऑफ प्लेन्स ऑफ प्लेन्स along the eastern and western plains of India. There are narrow strips. ये जो narrow strips है, ये पतली पट्टियां हैं। ये पतली पट्टियां हैं plains along the, यानी किनारे किनारे, eastern and western plains. Eastern plains और western plains के किनारे किनारे ये पट्टियां हैं। इसी को coastal plains कहते हैं। सिक्स पॉइंट है, डीज आर नोन एज कोस्टल प्लेन्स। इसको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, यानी समुद्री किनारा कहते हैं। डीज आर नोन एज कोस्टल प्लेन्स, ये जो ईस्टर्न प्लेन्स और वेस्टर्न प्लेन्स को और किनारे किनारे जो पट्टी हैं, इसको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। सेवेंथ पॉइंट, रिवर्स सच एज द नर्मदा रिवर सच है द नर्मदा तापी तापी गोदावरी गोदावरी नर्मदा तापी गोदावरी महानदी महानदी फ्लो फ्रॉम डीज प्लेन्स। रिवर सहज है द नर्मदा तापी तापी नदी नर्मदा नदी और महानदी गोदावरी नदी फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स और इससे गुजरती है। नर्मदा गोदावरी तापी महानदी इससे गुजरती है। दे फेल्स डिज फेल इंटू द इंडियन ओशन।
डीज फेल इनटू द इंडियन ओशन। इधर इंडियन ओशन है और इसी में जाकर ये गिरती है। ये सब जो नदियां हैं सच है द नर्मदा तापी महानदी फ्लो थर्ड दिस प्लेन इससे गुजरती हैं और हिंद महासागर में जाकर गिरती हैं। समझा बच्चों, एक बार फिर से समझ लो। देयर आर नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन्स अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। देयर नैरो मीन्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न उत्तरी और सॉरी पूर्वी और पश्चिमी मैदाने जो भारत के हैं वह बहुत पतली पट्टियां हैं और ये सब किनारे किनारे हैं। दीज आर नोन एज कोस्टल प्लेन्स। ये सब समुद्री किनारे कहलाते हैं, समुद्री मैदान कहलाते हैं। रिवर सच एज द नर्मदा तापी गोदावरी महानदी फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। नदियां जैसे नर्मदा तापी गोदावरी महानदी ये सब नदियां इस मैदान से बहती हैं। डिज फेल इनटू द इंडियन ओशन। ये सब नदियां हैं वह हिंद महासागर में जाकर गिरती हैं। समझा बच्चों, तो देयर आर नैरो स्ट्रिप एक पतली पट्टियां हैं इस मैदान के जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मैदान में है और यह भारत में स्थित है। डीज आर नोन एज कोस्टल प्लेन्स। ये समुद्री किनारे कहलाते हैं। रिवर सच एज द नर्मदा तापी गोदावरी महानदी फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। नदियां जैसे नर्मदा तापी गोदावरी महानदी इस मैदान से बहती हैं। बीज फेल इनटू द इंडियन ओशन। ये सब हिंद महासागर में जाकर गिरती हैं। तो यह है, समझा बच्चों, कोस्टल प्लेन्स क्या है? ईस्टर्न प्लेन्स है और इधर वेस्टर्न प्लेन्स है। इसमें नदियां क्या है? तापी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है। ये सब नदियां हैं और ये सब नदियां और इधर कोस्टल प्लेन से ये जो है नैरो स्ट्रिप इसको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ये कोस्टल प्लेन्स है हाँ, और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वह पंजाब से असम तक फैला हुआ है। समझा बच्चों, इधर श्रीलंका है, इधर अरेबियन सी यानी अरब सागर है। तो आज इंडिया आवर लैंड चैप्टर के बारे में बताए। द नॉर्थन एंड कोस्टल प्लेन्स, उत्तरी और कोस्टल प्लेन्स यानी समुद्री मैदान के बारे में बताए। समझा बच्चों, अब कुछ मीनिंग याद करने के लिए लिख लो। अब कुछ मीनिंग फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। नैरो मीन्स पतला। नैरो मीन्स पतला। स्ट्रिप मीन्स पट्टी। ये जो पतला पतला पट्टी है इसको फोर्थ में
कोस्ट समुद्री किनारा, एलॉन्ग एलॉन्ग मीन्स किनारे किनारे, एलॉन्ग मीन्स किनारे किनारे, एफआरटीआई एली फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, एन ए डबल आर ओ डब्ल्यू नैरो मीन्स पतला, एस टी आर आई पी स्टीप मीन्स पट्टी, सी ओ एस टी कोस्ट मीन्स समुद्री किनारा, ए एल ओ एन जी एलोंग मीन्स किनारे किनारे, एलोंग जो है एक किनारे किनारे एक कोस्टल प्लेन से। समझा बच्चों? और फर्टाइल क्या है? उपजाऊ है। एफ आर टी आई एल ई फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, एन ए डबल आर ओ डब्ल्यू नैरो मीन्स पतला, एस टी आर आई पी स्टीप मीन्स पट्टी, सी ओ एस एस टी कोस्ट मीन्स समुद्री किनारा, ए एल ओ एन जी एलोंग मीन्स किनारे किनारे। समझा बच्चों? आवाज का क्लास ही इन होता है। थैंक यू।